सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो किसी ब्लॉग के ऊपर नहीं, आज की जो वीडियो होगी वो होगी पूरा ही इन्फॉर्मेशन के ऊपर में, और वो इन्फॉर्मेशन बाइक रिलेटेड रहेगी। क्योंकि हम लोग को पता है जब हम लोग कभी भी बाइक चलाते हैं तो हमें एक कंफर्ट जोन चाहिए, और हम लोग हमेशा बाइक को ही दोष देते हैं कि ये बाइक जो है वो कंफर्ट नहीं देता है, ये बाइक में ये प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम बाइक की नहीं है, हमारी राइडिंग पोस्चर के ऊपर में है। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि हमें क्या परफेक्ट पोस्चर है बाइक में बैठने का, जिससे आप लॉन्ग ड्राइव या शॉर्ट ड्राइव में भी अगर आप बाइक चला रहे हो जिसमें आपकी रिस्ट पे पेन, शोल्डर पेन और नेक पेन ना हो, तो वो मैं ही आपको वो टिप्स देने वाला हूँ कि आप कैसे अपने बाइक में बैठ के बाइक को चलाएं जिसमें आप लोगों को कंफर्ट जोन हमेशा आपकी राइडिंग में मिलती रहे। और मैं इसके साथ साथ एक और बात भी ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे वर्ल्ड में दो तरह के राइडर्स होते हैं। पैरा राइडर्स वो होता है जो बाइक को बहुत ही नॉर्मल क्रूज़ करते हैं, और क्रूज़ करके आपके अगल बगल में जो भी लेफ्ट एंड राइट में जो भी सीनरी होता है उसको इन्जॉय करते हुए बाइक को राइड करते हैं, और दूसरा जो बाइक के पावर को फील करने के लिए बाइक को स्पीड भगाते हैं और उस थ्रिल को एंजॉय करते हैं। दो राइडिंग स्टाइल जो होता है, तो उस दो राइडिंग स्टाइल में भी हम लोग कंफर्ट जोन खोजते हैं कि हम जब बाइक राइड करें तो उसमें कैसे हमारी पोस्चर होनी चाहिए, सिटिंग पोस्चर क्या होनी चाहिए। तो मैं आज उसी पे बताने वाला हूं, तो आज का वीडियो उसी पे होने वाला है कि परफेक्ट राइडिंग पोस्चर क्या होता है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे पास जो गाड़ी है वो है यामा R15 वर्जन S। जो लोग मेरे को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, जो मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं बार बार टूर और ट्रैवलिंग करता हूँ, तो मेरे पास ये बाइक है और मैं यही बाइक से ज़्यादातर मैं टूर और ट्रैवलिंग का वीडियो बनाता हूँ। तो मैं आज इसी बाइक पे ही आप लोगों को डेमो दिखाने वाला हूँ कि करेक्ट पोस्चर क्या होगा अगर आप बाइक राइड करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। यहाँ आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है बाइक चलाते वक्त और इसके बैठते वक्त, तो चलिए आपको बताते हैं। पहला पॉइंट गाइस, जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं जब बाइक पे बैठा हूँ तो मेरा बॉडी का जो पोस्चर है मैं ऐसे बाइक में बैठा हूँ, ये सही नहीं है। आपको ऐसा नहीं बैठना है। आप जब भी अपने बाइक में बैठे तो आप बहुत रिलैक्सेशन वे में बैठे। रिलैक्सेशन वे मतलब ये होता है, ये आप रिलैक्सेशन, और आपका हाथ को ऐसे स्ट्रेट नहीं करना है, आपको हाथ को नॉर्मल एक मोड में रखना है। जब भी आप गाड़ी पे बैठे तो आप हमेशा याद रखें, आपको बाइक पे नहीं ऐसे लीन करना है और नहीं ऐसे करना है, क्योंकि बाइक की जो करेक्ट पोस्चर होती है वो ये होती है। देखिए, ये रहा करेक्ट पोजीशन, और आपको इस तरह गाड़ी में बैठना है, इस तरह। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो बॉडी का जो लैंग्वेज है वो बहुत ही कंफर्टेबल जोन में है। बहुत सारे राइडर्स लोगों को देखे होंगे, जब वो लोग बाइक में बैठते हैं तो उन लोग का अगर हैंडल वाइड रहता है तो उन लोग कुछ इस तरह बैठते हैं, इस तरह बैठने से क्या हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे ये जो मूवमेंट हो रहा है आपकी, जो हाथ की जो पोस्चर यहाँ पे आके उठ गई है। उठने से क्या होता है, यहाँ पे नेक में आपको पेन होता है, इस जगह में आपको पेन होता है, तो यही आपको अवॉइड करना है। जब भी आप बाइक चलाएं तो आप बाइक के हैंडलिंग को पकड़े इस तरह दोनों हाथ को, और ऐसे ना करके स्ट्रेट रखें और थोड़ा लीन करें, ये है परफेक्ट एडमिशन। याद रखिएगा, इससे ज़्यादा गैपेज नहीं होना चाहिए, आप देख पा रहे होंगे इससे ज़्यादा गैपेज नहीं होना चाहिए, ये है परफेक्ट राइडिंग पोजिशन। इसमें क्या होगा, देखिए बॉडी मेरी स्ट्रेट आई और ये यहाँ पर स्ट्रेट है, ये ना ही ऐसे और ना ही पूरा ऐसे है, एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट फॉर्मेशन में क्या होता है, आपको वो पेन नेक या शोल्डर पर नहीं आती है। ये हुई फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। अब आप जब भी अपने बाइक को राइड करें तो आपको याद रखना है कि ये दो जो हैंडल है इसका सिर्फ यूज़ है आपको मैनूवरिंग करना है। मैनूवरिंग में करने के साथ साथ आपको लेफ्ट हैंड की जो हैंडलिंग है और जो राइट हैंड की हैंडलिंग है, लेफ्ट हैंड की हैंडलिंग सिर्फ क्लच को पकड़ के गियर को चेंज करने के लिए होती है, और जो राइट में है इसमें आपको दो फंक्शन करनी है, एक है एक्सेलरेशन और है फ्रंट ब्रेक। तो जहाँ तक मुझे पता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोगों को भी पता होगा जो लोग बाइक चलाते हैं, एक्सेलरेशन बहुत ही सॉफ्ट होती है, आप एक उंगली से भी एक्सेलरेट कर सकते हैं, और ब्रेकिंग जो होती है वो भी आप एक उंगली से ब्रेकिंग कर सकते हैं। तो इस दोनों पार्ट में आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं दिखाना है, आप इसका कम एफर्ट करके ही आप गाड़ी को चला सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप बाइक पे बैठें तो जब आप बाइक राइड कर रहे हैं तो इसको ज़्यादा ज़ोर से ना पकड़ें,
आपको बहुत हार्ड नहीं पकड़ना है, आपको बहुत सॉफ्ट पकड़ना है, बस नॉर्मल आपको हैंड पकड़ना है और आपको हैंडलिंग उसे ट्विस्ट करना है जहाँ पे टर्न्स की रिक्वायरमेंट हो, और उतनी हार्ड ब्रेकिंग इतने जोर से नहीं मारना है, सॉफ्ट मारे ब्रेक पकड़ेगी, और एक्सीलरेशन को भी ज़्यादा जोर से नहीं दबाना है। ऐसे भी कीजिएगा, आप देख पा रहे होंगे ऐसे भी अगर आप करते हैं तो बहुत ईजिली गाड़ी मैन्यूवरिंग होगी। यही मैं आप लोगों को, अगर आप ज़्यादा हार्ड पकड़ेंगे जोर से पकड़ेंगे तो इसकी जो ट्रांसमिशन है, जो नीचे से जो शॉकर से जो शॉक एब्जॉर्व करके जो शॉकर ऊपर की तरफ भेजता है, तो ये ट्रांसमिट होके वाया इस हैंडल के जैसे आपके इस रिस्ट पे आती है और आपको पेन होता है इस जगह पे। तो आपके के नीचे में पेन हो जाता है जब आप बहुत लॉन्ग ड्राइव करते हैं, तो आपको पेन यहाँ जनरेट हो जाता है। जनरेट होने का कारण यही है कि आप बहुत जोर से अपने हैंडल को पकड़ते हैं। आप कोई भी ग्लव्स पहन ले या बेयर हैंडेड आप गाड़ी चलाते हैं तो भी आपको ये पेन होगी। बाइक चलाओ जब भी आप, तो आप हैंडल को बहुत ही धीमा पकड़े, हार्ड पकड़ने की जरूरत नहीं है। तब आते हैं अब थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है, आपको अपना बाइक को समझना पड़ेगा कि आपकी बाइक जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है उसमें जो हैंडल बार लगी हुई है वो उसका पोस्चर क्या है, क्योंकि कंपनी बाइक बनाती है वो हाइट के हिसाब से नहीं बनाती है। कंपनी को अपना डिज़ाइन पता होता है कि हमें क्या बाइक बनाना है, बट जब बाइकर्स या कोई भी इंसान जब अपना बाइक परचेस करता है तो वो अपने हाइट के हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से वो बाइक परचेस करता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो बाइक पसंद होती है वो हमारे हाइट के साथ मैचिंग नहीं करती है, तो इसके कारण क्या मैं अपने पसंद की बाइक ना लूँ? ना, आप बाइक ले सकते हैं, अब आपको उसमें देखना है कुछ चेंजेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास R15 है, तो इस R15 में मेरे हाइट की वजह से, मेरा हाइट है ऑलमोस्ट 6, तो मुझे ये बाइक पसंद है, इसका लुक्स पसंद है, इसके बहुत सारे अलग फीचर्स, वो अलग वीडियो में बताऊंगा कभी, बट मैं बताना ही चाहता हूँ कि इस बाइक के हिसाब से मेरा हाइट बड़ा हूँ मैं, तो मेरे लिए ये मैन्यूवरिंग करना बहुत ईजी होता है। बट आप जैसे देख पा रहे हैं इस बाइक में जो हैंडल बार आती थी, मैंने इस हैंडल बार को चेंज किया है, आप देख रहे हैं इसमें मैंने लॉन्ग हैंडल बार लगाया है, और ये हैंडल बार जो है वो KTM का है, और ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हैंडल ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट जो है ये है आपका बजाज डोमिनार का। तो मैंने ये सेटअप खुद से ही मैंने बनाया है, मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इसका राइडिंग पोस्चर जो था थोड़ा सा क्रॉलिंग था, झुका हुआ था, इसके कारण क्या होता था जब मैं बहुत लॉन्ग ड्राइव करता था तो मुझे थोड़ा लगता था कि ज़्यादा क्रॉल करने से मेरे बैकबोन में थोड़ी पेन आती थी, तो मैंने ऐसा हैंडल बार लगाया है। तो इस हैंडल बार लगाने से क्या बेनिफिट होता है, ये बेनिफिट है इसमें कि इस हैंडल बार में आप देख पा रहे हैं कि ये हैंडल बार का जो मैंने क्या किया है कि हैंडल बार को उठाने के बाद क्या मेरा पोस्चर जो और बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट में आ गया है। ये मेरे साथ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बहुत ही नियरेस्ट डिस्टेंस में, और इसका जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस था पहले वाली, ये बार बहुत दूर हुआ करता था, जब से मैंने ये हैंडल लगाई तब से ये मेरे बहुत क्लोज आ गया है, और मुझे इसे मैन्यूवरिंग करने में बहुत ही ईजी होता है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए ये मेरे हैंडल है, पहले R15 के हैंडल यहाँ हुआ करती थी यहाँ, तो मुझे थोड़ा पीछे की तरफ आके ऐसे बैठना पड़ता था, तो इसमें क्या देखिए बॉडी एंगल थोड़ा लीन हो गया था, बट जब से मैंने ये लगाया है ये मैं यहाँ पकड़ा और मैं सीधा ये आराम से मैं क्रूज़ कर सकता हूँ। देखिए मेरी राइडिंग पोस्चर पहले से कितनी बेटर हो चुकी है। तो आप लोग भी अपने बाइक में ऐसा मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। कंपनी फिटेड जो एसेसरीज आता है, अगर आपको लगता है उसे मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो डेफिनेटली आप वो चेंजेस कर सकते हैं, और आपको लगता है कि वो चेंजेस करना आपके लिए कंफर्टेबल जोन है तो आप चेंजेस करके अपने राइडिंग स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। मैंने चेंज किया अपने हिसाब से, क्योंकि मैं लंबा था तो मैंने अपने हिसाब से मैंने चेंज किया है। चलिए गाइस, अब मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को फोर्थ पॉइंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक बाइक में, कि आपको क्या एक बेसिक चेंज करनी चाहिए और उसको क्या दिमाग में रख के आपको वो चेंज करके जिसमें आप कंफर्टेबल जोन पा सकते हैं वाइल्ड राइडिंग। सो गाइस, अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये आप सब बाइक में आप लोग ये चेंज कर सकते हैं, और वो चेंज बहुत ही मिनिमम है, वो आप खुद से भी कर सकते हैं या किसी मैकेनिक शॉप में भी जाके भी आप कर सकते हैं। तो पहला जो चेंजेस है, आप देख रहे होंगे कि मेरे पास जो ये हैंडल बार लगी हुई है और इससे अलाइन जो ये क्लच लीवर है, तो हमेशा आप याद रखें जब भी आपकी जो क्लच लीवर हो उसको आप अपने बॉडी के हिसाब से इसके एंगल को आप सेट करें। आप जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो क्लच है, ये क्लच अगर थोड़ा सा ऊपर होता तो मेरी क्लच की पोजीशन इस तरह हो जाती है। अब मेरा बाइक ऐसे देखिए इस तरह, तो आप देख रहे हैं ये जब ऐसा होता तो यहाँ पे आके ऐसे मुड़ जा रहा है, हमारी यहाँ पे आके मेरी हैंड जो मुड़ जा रही है, यहाँ पे मुझे एक पेन होगा, वो यहाँ पे होगा, इस रिस्ट पेन होगा।
तो रिस्ट में एक पेन आ रही थी क्योंकि यहाँ पे आके वो मूवमेंट जो है वो कर्व्ड हो गई थी। तो ये इसको आप अवॉइड करें। आपको करना क्या है, आपकी जो क्लच है इसको देखिए मैं कितना स्ट्रेट में रखा हूँ। देखिए ये ट्रांसमिशन पूरा स्ट्रेट है, ये पूरा स्ट्रेट जा रही है और मैंने इसको लीन कर दिया है, मैंने क्लच को थोड़ा नीचे की तरफ झुका दिया है। ये कोई स्टाइल नहीं है, इसको आपको समझना होगा कि आपकी जो बॉडी की जो लाइनिंग है वो पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए। हालांकि ऐसे कर देंगे तो ये ऐसे कर्व हो जाएगी। ये कर्व के कारण ही हमारे रिस्ट में, हमारी बाइसेप्स में, हमारी शोल्डर में पेन आती है। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इस क्लच को मैंने अपने हिसाब से स्ट्रेट लाइनअप में ला लिया। और इसके साथ साथ आप ये जो आप देख रहे हैं स्विचेस, जहाँ पर आपको हॉर्न की स्विचेस रहती हैं, आपकी पास की स्विचेस रहती है, इसको भी मैंने एंगल थोड़ा सा लीन कर दिया है। इसके कारण क्या होगा, मेरा सब कुछ मेरे ही हिसाब से ये चल रहा है। तो आप लोग भी अपने बाइक में जब आप बैठें तो आप लोग देख लें कि जब आप बाइक में बैठ रहे हैं तो आपकी जो पोस्चर है उसके हिसाब से ऐसा सूट हो रहा है कि ऐसा सूट हो रहा है, वो आपको देखना है। अगर आपकी स्ट्रेट ऐसे हो रही है तो आप लोग भी अपने क्लच को और आगे की ब्रेक लीवर को दोनों को लीन कर लें और उसके मैचिंग के हिसाब से लाइनअप होनी चाहिए, जिसके कारण आपको पेन कम होगी। तो ये आपको फॉलो करना है। अब जो बताने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि आपकी बॉडी जो होती है वो बाइक पे कौन सा पार्ट ज़्यादा यूज़ होता है बाइक राइडिंग के समय। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, हमारी बॉडी को मैं दो पार्ट में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। जब भी आप बाइक राइडिंग करते हैं ना, तो हमेशा याद रखिएगा हमारा बाइक बेसिकली लोअर पार्ट से ज़्यादा चलता है, अपर पार्ट से बहुत ही कम, ब्रेन छोड़ के। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो आप टैंक देख रहे हैं, ये टैंक में जो आप जो स्लॉट देख रहे हैं, ये स्लॉट सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, इसका बहुत ही यूज़फुल दिया गया है कंपनी की तरफ से। हालांकि ये सब बाइक में, लीडर क्लास बाइक हो या सुपर बाइक्स हो या एक नॉर्मल सेगमेंट का बाइक हो, हर बाइक में आप देखे होंगे यहाँ पे टैंक में आके थोड़ा नीचे से एक ग्रूव बन जाती है। ये जो आप ग्रूव देख रहे हैं, ये ग्रूव इसलिए दिया जाता है कि आप जो भी राइडर से उसकी जो ये पैर की जो थाई है वो थाई इसमें जाके फिट हो जाए। आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छी तरीके से ये फिट हो चुका है। ये फिट होने से क्या होता है, आपको गाड़ी को मैनोवरिंग इस थाई से करनी है। अगर आपको गाड़ी को लीन करना है तो आपको इससे पुश करना है, ये पुश यहाँ से पुश होगी, हालांकि हाथ से पुश नहीं होगी, आपको पुश यहाँ से करना है। बॉडी आपको बोलेगा कि इस गाड़ी को लीन करना है लेफ्ट या राइट, आपको लेफ्ट पैर से बॉडी को इधर लीन करना है तो इधर से आप पुश करें, राइट आपको इधर लेफ्ट करना है तो राइट से पुश करें। तो हमारी ये दो थाई है, वो दो थाई इस जगह पे ग्रिप में फिट हो जाती है और बाइक को मैन्यूवरिंग कराती है। तो हाथ की ज़रूरत सिर्फ हैंडल को ट्विस्ट करने में, गाड़ी को लीन करने में कोई काम नहीं आता है। तो इसके कारण क्या होता है, जितना भी पावर जो होता है वो ट्रांसमिट होकर सीधा पैरों पे आ जाती है और हमारा पैर में इतना पावर है कि इतने सारा पेन को वो रिजिस्ट कर लेता है बहुत ही आसान तरीका से, इतनी पेन फील नहीं होती। और मैं हालांकि मैं यार पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अभी तक किसी के मुंह से नहीं सुना है कि मैं बाइक चला रहा हूँ मेरा थाई पेन कर रहा है। सबके सुना हूँ मैं भाई गला दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, रिस्ट पेन कर रहा है, नेक पेन कर रहा है, पैर में दर्द नहीं आती है। तो ये मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप जब भी बाइक चलाएं तो अपने इस दो थाई का यूज़ करें। जब भी आप बाइक राइड कर रहे हो तो कोशिश करें अपने बाइक को, अगर आपको कहीं लीन करना है या कहीं ट्विस्ट टर्न आ रहा है तो इस पैर की मदद से आप गाड़ी को टर्न एंड ट्विस्ट कर सकते हैं, जिससे कारण क्या होगा, आपकी जितनी भी आउटपुट हैंड में आ रही थी वो कम हो जाएगी और आपको पेन भी उतना नहीं मिलेगा। अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो पॉइंट है, बाइक को जब आप राइड करते हो तो आपकी बैठने की, अपने बाइक पे पैर इस तरह रखें जब आप बाइक चला रहे हो कि सीट ऐसी है तो आप ऐसे रखें, ये बाइक के हैंडल को ऐसे पकड़े दोनों, अब पकड़ के इस तरह नॉर्मल इस तरह बाइक चला सकते हैं। और हालांकि जितने भी स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है, जब हम बाइक स्पीड भगाना चाहते हैं स्पीड के समय क्या होता है, हम लोग बाइक में ऐसे कर लेते हैं और ऐसे करके बाइक चलाते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको किस तरह बाइक जब आपको स्पीड चलाना है तो आपकी राइड, आपकी जो राइडिंग की पोस्चर होगी वो किस तरह होगी मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपको बैठना इस तरह है, हैंडली को इस तरह पकड़ना है नॉर्मल बहुत ही हल्की तरीका से, और उसके बाद आपको इस तरह बैठना है। और बैठने के बाद ये जो पैर देख रहे हैं आप, ये पैर की एंगल ये दोनों सट जाएगी, ये हुआ करेक्ट पोजिशन। और याद रखिए आपकी जो फ्रंट वाइजर है वो कोई भी स्टिकर और लैमिनेशन नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिज़ाइन के कारण क्या करते हैं, इसको लैमिनेशन कर देते हैं, बट ये वाइज़र बहुत ही यूज़फुल है। ये इसलिए दिया जाता है जब आप हाई स्पीड में बाइक चला रहे हो तो आप ऐसे करके इसके थ्रू आप देख सकें, क्योंकि जब आप स्पीड चलाते हो तो आपके साथ कीड़ा या स्मॉल पार्टिकल्स आपके आँखों में लग सकता है। इसके लिए क्या होता है, ये वाइज़र क्लीन रहेगा, इसके थ्रू आप आर पार देख सकते हैं। और ये पोजिशन आपको करना है ऐसे, जब हाई स्पीड बाइक आप चला रहे हो तो ऐसा पोजीशन में आपको बाइक चलाना है। और ये जो है ये स्ट्रेट रहेगा और नॉर्मल इसके ऊपर आप रख सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं या ऐसे नॉर्मल पकड़ सकते हैं।
आप ऐसे बाइक चलाइएगा। ऐसे बाइक चलाने से क्या होगा, आपकी जो एरोडायनामिक है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगी और आपकी हवा ऐसे इस पर लग के टकरा के ऐसे चली जाएगी। बट आप अगर ऐसे करके ऐसे स्पीड चला रहे हैं तो ये एयर इसमें टकरा के आपकी चेस्ट पे वो हिट करेगी। इसे क्या बाइक चलाएंगे तो जो स्पीड को आप टच करना चाहते हैं वो स्पीड को आप टच नहीं कर सकेंगे, उस लिमिट को आप टच नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके साथ जब आप बाइक चला रहे हो तो आपकी एरोडायनामिक कट ऑफ हो जाती है और आपकी एयर जो सामने से आ रही है वो आपके चेस्ट में लगती है, जिसके कारण आपकी स्पीड नॉर्मल हो जाती है। उस स्पीड को कट ऑफ करने के लिए आपको झुकना पड़ेगा और बाइक के साथ साथ अपने आप को भी एरोडायनामिक पोजिशन में लानी होगी, तभी आपकी बाइक उस लिमिट को टच कर पाएगी जिस लिमिट में आप चलाना चाहते हैं स्पीड। गाइस क्या करना है, आप लोग जब भी कभी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो और आपको लगता है कि मेरी जो सीटिंग पोस्चर है वो हालांकि बहुत जल्दी अडेप्ट नहीं होगा, आपको उसके लिए हैबिट करनी होगी, आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि बेसिकली हम लोग जब बाइक स्टार्ट करते जा रहे हैं तो हमें जो पोस्चर हमें ठीक लगती है हम उस तरह बाइक राइड करते हैं। बट आपको बाद में पता चला कि करेक्ट पोस्चर क्या है जिसमें हमारी पेन ना हो, तो वो पोस्चर को अडेप्ट करने के लिए आपको कुछ टाइम लगेगा। तो अगर आप उसी दौरान अगर आप किसी टूर पे जा रहे हैं, बाइक राइड कर रहे हैं, लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं, उस समय क्या होगा कि जब आप बाइक राइड कर रहे हैं और आपकी कहीं भी शोल्डर या नीज में कहीं भी पेन हो, उस समय बाइक को साइड लगा ले। लगाने के बाद बाइक से उतर के आप अपने बॉडी को थोड़ा रिलैक्स दें और हो सके तो आप थोड़ा वार्म अप कर ले, थोड़ा हाथ हाथ को थोड़ा झाड़ लें कि आपके ब्लड सर्कुलेशन जो है फिर से चालू हो जाए, और जहां आपको पेन हो रहा है वहां आप अगर आप पॉसिबल है तो आप अपने हाथों से मसाज कर लें, क्योंकि आप अगर कंटिन्यूस उसी मूड में आप चलाइएगा तो आप और ज़्यादा टायर्ड फील करोगे और हो सकता है टायर्ड के कारण आपको आप इरीटेट हो जाओगे राइडिंग से और आपका कॉन्सेंट्रेशन जो राइडिंग से वो हट जाएगा और आप एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आप जब भी बाइक चला रहे हो आप बाइक से उतर जाओ, थोड़ा देर पॉज ले लो, 15 मिनट का एक वाटर ब्रेक ले लो या एक टी ब्रेक ले लो, वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम में जा सकते हैं, बट आप अपने आप को 15 मिनट का पॉज कर ले जिसके आपके बॉडी एक रिलैक्सेशन मोड में आ जाए और फिर से आप तैयार हो एक लॉन्ग जर्नी के लिए। आपको बाइक राइडिंग के समय क्या क्या मैंडेटरी है, आपको वाइल्ड राइडिंग के समय क्या क्या करनी चाहिए, जब भी आप बाइक राइड कर रहे हो आप हमेशा याद रखना आपको वाटर कैरी करना है आपके साथ। अगर आपके पास वाटर बैग ना हो, बैकपैक ना हो, तो आप अपने साथ एक बॉटल कैरी करें पानी का, या कहीं भी अगर आप ड्राइव कर रहे हो हर एक पेट्रोल पंप या कोई भी आपको नियरेस्ट कोई रोड पे कोई शॉप दिखे तो आप अपने आप को रोक के आप कंटिन्यूस पानी पिए। अगर आप पानी पीजिएगा तो आपको टायर्डनेस जो स्लीपीनेस होता है वो पूरा कट ऑफ हो जाएगा, आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी वो बरकरार रहेगी। पानी पीने से आपको ऑक्सीजन लेवल हमेशा बॉडी में रहेगा और आप जब राइड करेंगे तो आपको कभी भी कहीं नींद नहीं आने वाली है। और जब भी आप बाइक चला रहे हो याद रखिए आपकी बाइक की टायर की जो प्रेशर है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा आपको रखना है ना ही पूरा कम रखना है, आपको टायर की प्रेशर मिनिमम रखना चाहिए। आपके पास जो भी बाइक है आप लोग के बाइक में प्रॉपर यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि आपके फ्रंट व्हील में और बैक व्हील में कितनी टायर की प्रेशर होनी चाहिए, तो आप उसी हिसाब से अपने बाइक में टायर प्रेशर भरवाएं। उससे क्या होता है कि आप जब जर्नी करते हैं तो टायर में उतना प्रेशर क्रिएट नहीं होता और वो जितने भी रास्ते में पॉट होल्स गड्ढा रहता है उसको एब्जॉर्व कर लेता है और आपके बॉडी तक आने नहीं देता। अगर आपके टायर की प्रेशर कम रहेगी तो आपको ज़्यादा गड्ढा महसूस होगा यानी पॉट होल्स ज़्यादा महसूस होगा और इसके साथ साथ आपके टायर के जो रिम है वो भी हो जाएगी। तो ये आप टायर के प्रेशर हमेशा मेंटेन करें, इससे आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा, जो आपकी राइडिंग हो रही है वो भी बहुत कंफर्टेबल होगी। आप कभी भी कोई अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो आपके जो भी थ्रॉटल वायर है उसको आप चेक कर ले कि वो स्मूथ रन हो रही है कि नहीं। अगर ये थोड़ी जैम होगी तो आपको उसका एक्सीलरेट करने में थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा और आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा पेन होगी। तो वो भी पेन हटाने का एक तरीका है कि आप अपने वायर को प्रॉपर चेक करें, टाइम टू टाइम अपने बाइक को आप सर्विस करें और प्रॉपर ऑयलिंग लुब्रिकेंट आप कराते रहें। और सिर्फ आपको वायर को ही नहीं, आपको अपनी चेन को भी प्रॉपर हमेशा लुब्रिकेट करनी चाहिए, क्योंकि जो चेन जो है वो बहुत ही बड़ी मैंडेटरी रोल प्ले करती है। वो क्या करती है, इंजन से पावर को ट्रांसमिट करके व्हील में कन्वर्ट करती है। तो चेन को भी आपको नहीं भूलना है, उसे प्रॉपर लुब्रिकेट वगैरह करना है, टायर प्रेशर चेक करना है, आपको क्लच की जो वायर है उसको भी चेक करना है वो ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। हार्ड हो गया है तो वो सिर्फ हाथ में पेन नहीं करेगा आपको, बीच रास्ते में अगर वो वायर टूट जाती है तो मुझे नहीं पता आपको भी नहीं पता कि इसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में क्या है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए आप कहीं भी राइडिंग करने से पहले आप अपने वायर को प्रॉपर चेक करते रहें, और अगर आप लोकल्स में या अपने आप लोकेलिटी में तो आप अपने वायर्स को प्रॉपर ऑयलिंग करें, वायर्स को चेक करवा लें, अगर वो पुरानी हो चुकी तो वायर को चेंज करवा लें, उसको उससे मजाक ना करें। ब्रेक में अगर आपके
डिस्क ब्रेक है तो आप अपने डिस्क ब्रेक की ऑयल वगैरह चेक कर लें, और अगर आपके आगे ड्रम ब्रेक लगी हुई तो आप उसकी भी वायर चेक कर सकते हैं कि आपकी वायर अच्छी कंडीशन में है कि नहीं है। अभी के जितने बाइकर्स हैं मैंने पर्सनली देखा है, नोटिस भी किया है कि उनका रहे अभी बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड के हेलमेट ले रहे हैं, तो मैं ये भी बोलूँगा कि यस आप लोग अच्छे ब्रांड के हेलमेट लें, अप्रूव्ड हेलमेट लें। आपकी बॉडी का जो ये वाला पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर यहाँ चोट लग जाएगी तो होपफुली ये जल्दी ठीक हो जाएगी, अगर आपकी बॉडी में यहाँ अगर इस पार्ट में लग जाती है ब्रेन में तो बहुत ही कम चांस होता है बचने का, तो इसके लिए आप अच्छी क्वालिटी की हेलमेट पहने। गाइस ये था कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि मैं R15 लेके काफ़ी ट्रैवल्स करता हूँ और आगे भी चल के मैं ट्रैवल्स करूँगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताया। आप लोग भी अगर ये पॉइंट्स को अपने लाइफस्टाइल में अगर आप लाएंगे तो डेफिनेटली आप लोग को जो प्रॉब्लम होता है वाइल्ड राइडिंग वो प्रॉब्लम 90% ठीक हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है। और आप लोग भी अगर आप ट्राई करेंगे तो मैं आप लोगों को बोलूँगा, आप लोग भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये पोस्चर, ये राइडिंग पोस्चर मैंने आप लोगों को जो बताया है, कन्वे किया है मैसेज को, वो अगर सही है, आप लोग ने अगर वो इसको इस्तेमाल किया है तो आप लोगों को भी कुछ चेंजेस आया है कि नहीं, पॉजिटिव रिजल्ट मिला है कि नहीं मिला है। तो गाइज़ मैं आज वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। और गाइज़ अगर आप लोग इस वीडियो में नए हैं, जो लोग आप नए हैं आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे नॉक कर दें, जिससे मेरा जो भी नया वीडियो आएगा वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको फ़ोन में मिल जाएगा। मिलता हूँ अगले किसी अच्छे वीडियो को लेके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, वर्क हार्ड एंड अनलॉक योर लाइफ। आदिवासी।